देखिए कि अभी भी आप लोग का प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारा कमेंट भी आ रही है कि हम लोग आधार वेरिफिकेशन करते हैं तो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप बताते हैं तो वो देखते हैं कि वेरिफिकेशन हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इस तरह का जो है आप लोग का कमेंट आ रही है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए, अगर आप लोग आधार से डिटेल्स मैच करके नहीं डालेंगे, आधार नंबर सही नहीं डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डालेंगे, तो आप लोग को जो है इसी तरह का प्रॉब्लम होगा, ठीक है? जैसे देखिए आप लोग को भी बताया जा रहा है कि आधार से डिटेल्स जो है मैच नहीं कर रही है, इसलिए आप लोग को जो है आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है? जैसे कि देखिए अभी आप लोग को दिखाएंगे, एक को आधार वेरिफिकेशन करेंगे, जैसे कि आप ही ने रजिस्ट्रेशन किया है और आप ही आप लोग को जो है आईडी खोल के दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है आप लोग का जो आधार वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? तो जैसे कि देखिए अभी जो है आप लोग देख रहे होंगे डाटा जो है आप लोग ने एंट्री किया है वो मैच नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ से? जैसे कि देखिए हम लोग बैक हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? बैक होने के बाद देखिए कि एक आध दो गो इसमें भी चलते हैं, इनमें भी अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप लोग डिटेल्स सही डाले होंगे, यानी कि वेरीफाई पे मारते हैं और वेरीफाई मारने के बाद यहाँ पे जो है वेरीफाई आधार पे मारते हैं, तो अगर आप लोग डिटेल्स सही डाले होंगे तो आप लोग देखिए कि आधार वेरीफिकेशन हो जाता, लेकिन आप लोग को जो है ये इसमें भी जो है आधार वेरीफिकेशन यानी कि जो है आधार डिटेल्स सही नहीं किए हैं तो आप लोग को वेरीफिकेशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग फिर से एक बैक करते हैं और एक बचा हुआ है आप लोग को एक, और इसको भी हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं, क्योंकि आप लोग को भी ये अनवेरीफाई दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई करने के लिए आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे ही देखिए कि आप लोग इस तरह से खोले, और सबसे पहले देखिए कि आप लोग को सभी वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि सबसे पहले जितना भी लाभार्थी होंगे उनका जो है नाम और आधार नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और वो जेंडर क्या है ये आप लोग सही डालेंगे, यानी कि आप लोग को जो केयर करना है 1 2 3 4 ऑप्शन पे, यानी कि अगर 4 ऑप्शन पे अगर आप लोग सही सही डिटेल्स डाल देते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो है इनको भी वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई आधार जैसे क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि हाँ देखिए कि ये जो है आप लोग को आसानी से आधार वेरीफिकेशन ले लिया, क्योंकि आपने जो है ये चारों डिटेल्स सही डाली है इसीलिए जो है आप लोग को वेरीफिकेशन ले लिया। बाद बाकी आप लोग को जो है उस तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप लोग प्रोफाइल अपडेट में जाइए, वहाँ से जो है प्रोफाइल चेंज कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये वेरीफाई हो गया, आप लोग बैक होंगे तो यहाँ पे आसानी से जो है आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है? जैसे कि हम लोग कुछ समय वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए आसानी से जो है वेरीफाई हो गई। आप लोग को जो सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर वेरीफाई नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई नहीं है, तो सबसे पहले 3 डॉट पे जाइए और यहाँ से आप लोग 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है प्रोफाइल यानी कि जो अपडेट प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले नाम आप लोग सही डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि आधार नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अगर इसमें आप लोग को 3 चीज़ अगर आप लोग सही सही डाल देते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आधार वेरिफिकेशन लेगी, यानी कि इसमें जो है आप लोग को इसमें नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप लोग को प्रेग्नेंट वोमेन का जो है फाइलें खुला हुआ है तो आप लोग को जो है इसमें जेंडर नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप लोग को जो है इसमें जेंडर जो है सिर्फ प्रेग्नेंट वोमेन है ये है। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट लास्ट में यहाँ पे सबमिट मारिए और डायरेक्ट आधार वेरिफिकेशन उसी तरह से कर लीजिए, जैसे कि आप लोग ने देखे हैं कि इस तरह से जो है हमने आधार वेरिफिकेशन किया है। और आप लोग मोबाइल वेरिफिकेशन भी करना चाहेंगे, जैसे कि इनका वेरिफिकेशन हो गया है तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर दिया गया है मोबाइल वेरीफाई, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर मोबाइल दिया गया है। अगर ये लाभार्थी के पास मोबाइल है तो आप लोग मोबाइल नंबर जो है चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, अगर है तो आप लोग आसानी से जो है सबमिट कर दीजिए और ओटीपी ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सबमिट मारे और जैसे सबमिट मारे तो 1 2 3 4 ऑप्शन खुलेगी, यानी कि जो है 4 अपडेट के लिए आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा और वो जो है आप लोग को मैसेज आएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इस तरह से जो है आप लोग को मैसेज आएगा 7964, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जो है ओटीपी डाल देंगे 7964 और यहाँ से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे वेरीफाई होंगे तो आप लोग को जो है ये मोबाइल वेरीफिकेशन भी आसानी से जो है कंप्लीटेड हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें कुछ रखा नहीं है, आप लोग आसानी से जो है वेरीफिकेशन कर लीजिए। आप लोग को जो है यानी कि आप लोग को 2-3 महीना से जो है आधार वेरीफिकेशन हो रही है, अभी तो है आप लोग को जो है 15.2.1 आ गई है वर्जन, तो आप लोग इस तरह से जो है इतना वर्जन आ गया फिर भी आप लोग आसानी से जो है अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, इतना कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से जो है आप सबसे पहले ये 3 चीज़ों पर ध्यान रखिएगा तो आसानी से जो है आप लोग आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग उसी तरह से जैसे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू हमारे वीडियो में बनाने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।